What are the types? If you already opened with your speakers, kindly mute. It is going to be echoing. Please be silent. Now, जब भी आप स्टोरेज को स्टोर करते हो तो यहां पे आपको उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि एंड्रॉइड के अंदर जब भी आप कुछ ना कुछ स्टोर करते हो तो वहां पे दो तरीका होता है। पहला तरीका उसको हम इंटरनल स्टोरेज कहते हैं और दूसरा तरीका जिसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। अब इंटरनल स्टोरेज का मतलब ये है कि आप अपने फोन की मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो, और एक्सटर्नल तरीका ये है कि आप उसके कार्ड पे स्टोर करते हो। सो दो तरीका होता है, आप इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, आप एक्सटर्नल में स्टोर कर सकते हो। इंटरनल स्टोरेज इट्स अ वेरी स्मॉलर देन एक्सटर्नल स्टोरेज, याद रखना। इंटरनल स्टोरेज कम होता है, जबकि आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिपेंड्स करता है कि आपका एसडी कार्ड कितने साइज का है। मैं यहां पे ये नहीं कहता कि एसडी कार्ड इज ऑलवेज लार्जर देन इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि एसडी कार्ड आप अपनी मर्जी से लगाते हो, आपकी जरूरत हो इस तरह से आप परचेज करते हो। सो देयर इज अ डिपेंड्स और देयर इज अ इश्यू कि आप इंटरनल स्टोरेज ज्यादा रखते हो या एक्सटर्नल स्टोरेज, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको जब स्टोर करना है तो आप दो तरीके से स्टोर कर सकते हो। फर्स्ट इंटरनल स्टोरेज जो इंटरनली स्टोर होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज जो एक्सटर्नली स्टोर होता है। सो एसडी कार्ड्स इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज। सो याद रखिएगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टोरेज। ये तो बात हुई फिजिकल लोकेशन का टाइप्स, यानी कि जब आप स्टोर करते हो उसका फिजिकल लोकेशन के अंदर आपका अलग अलग स्टोरेज होता है। जबकि इसके अलावा अगर आप कुछ स्टोर करने जाते हो तो एप्लीकेशन लेवल पे कितने टाइप्स होते हैं। सो एंड्रॉइड प्रोवाइड्स ऑल्सो मैनी काइंड्स ऑफ स्टोरेज फॉर एप्लीकेशंस टू स्टोर देयर डेटा। वो बात किया मैंने एक्सटर्नल के तौर पे, अभी जो बात कर रहा हूं वो आपके इंटरनल स्टोर पे कर रहा हूं, यानी कि एप्लीकेशन लेवल पे कितना स्टोरेज हो सकता है। और क्यों चाहते हैं हम स्टोर करना, क्योंकि एंड्रॉइड प्रोवाइड सेवरल ऑप्शंस टू सेव योर पर्सिस्टेंस एप्लीकेशन डेटा। आपको कितने सारे डेटा स्टोर करना चाहते हो, इसलिए हम ये पर्सिस्टेंस स्टोरेज वाला ऑप्शन यूज करते हैं। और वहां पे ये स्टोर करने के लिए पर्सिस्टेंट यानी कि परमानेंट, उसको हम फुल टाइम स्टोर करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन आता है जिसको सैड प्रेफरेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, ये टाइप्स आपके एप्लीकेशन लेवल पे स्टोर करने के लिए होते हैं। पहला ऑप्शन है सैड प्रेफरेंस, उसको हम कह सकते हैं स्टोर्ड प्राइवेट प्रिमिटिव डेटा इन अ की वैल्यू पेयर। याद रखिएगा, की वैल्यू पेयर, जब आप प्राइवेट प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करना चाहते हो, प्राइवेट रखना चाहते हो। प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस ये है कि प्राइवेट अपने पास रहता है, किसी को हम शेयर नहीं करते, जबकि आप पब्लिक में हर एक को शेयर करते हो। जैसे कि अभी आप अपना सनलाइट देख रहे हो, सनलाइट किसी पे प्राइवेट नहीं है, पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है, तो हम उसको पब्लिक एक्सेस डेटा कह सकते हैं। जबकि आपके घर में रखा हुआ एक छोटा सा दिया जो आप घर पे लैंप लगाते हो, तो वो आपके घर पे लिए प्राइवेट है, पास वाले घर को भी उसका लाइट नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए प्राइवेट बन जाता है। इवन आपका आई देख लो, अपने फेस पे लगा हुआ अपना दो आई, वो प्राइवेट है, उसको आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। तो प्राइवेट और पब्लिक में ये डिफरेंस है। प्रिमिटिव डेटा किसको कहते हैं, प्रिमिटिव यानी कि सिस्टम ने इनबिल्ट जो डेटाबेस दिया, सॉरी डेटा दिया, डेटा टाइप्स दिया, उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। जैसे कि जावा के अंदर इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, तो वो सारा डेटा आपका प्रिमिटिव कहलाता है, प्रिमिटिव टाइप्स। और वो प्रिमिटिव टाइप का डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो सेट प्रेफरेंस आपको काम आ सकता है। दूसरा, आप इंटरनल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो, जैसे कि फोन के मेमोरी के अंदर, उसको डिवाइस मेमोरी भी कहा जाता है, तो आप इंटरनल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। आप एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो जो पब्लिकली अवेलेबल होगा, प्राइवेट इंटरनल स्टोरेज कहलाएगा, पब्लिक एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाएगा, उसको आप सेव भी कर सकते हो। एसक्यूलाइट डेटाबेस आएगा। एसक्यूलाइट डेटाबेस एक ऐसा
डेटाबेस है जो लाइट है, पीछे नाम लिखा है देख लीजिए LITE लाइट। लाइट क्यों है मैं उसके सेशन में बताऊंगा। और SQL का मतलब ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, यानी कि ये SQL का ही एक वेरिएंट है जो अभी आप इसी और नेक्स्ट सेशन में यूज करने जा रहे हो, यानी कि यू आर गोइंग टू स्टोर स्ट्रक्चर डेटा इन प्राइवेट डेटाबेस। प्राइवेट डेटाबेस के तौर पे आप उसको स्टोर करने जा रहे हो। इसके बाद आपका नेटवर्क कनेक्शन आता है, यानी कि आपका डेटाबेस क्लाउड पे रहता है या फिर ऑनलाइन रहता है या फिर इंटरनेट पे रहता है, तो उसको हम नेटवर्क कनेक्शंस या नेटवर्क स्टोरेज भी कह सकते हैं। यानी कि फायरबेस का यूज किया हो या फिर कोई और क्लाउड स्टोरेज का यूज किया हो, तो वहां पे आपका स्टोरेज का इतना टाइप्स मिलता है आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेट प्रेफरेंस आपका प्राइवेट प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करता है, इंटरनल स्टोरेज आपके प्राइवेट डेटा को डिवाइस में स्टोर करता है, एक्सटर्नल स्टोरेज आपके पब्लिक डेटा को सेट एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर करता है, SQLite डेटाबेस आपके स्ट्रक्चर डेटा को प्राइवेट डेटाबेस में स्टोर करता है, नेटवर्क कनेक्शंस आपके सभी प्रकार के डेटा को वेब और नेटवर्क सर्वर पे स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे।